जब स्वयं मेरे आपको कारण प्रति और सत्य है पढ़ाए उसी में से ये कारण प्रति है किस तरह तत्वों के साथ करते हैं वो देखिएगा। जैसे कारक में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन इस प्रकार के ये कारक होते हैं। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। अब इसके कारक के लिए जैसे एक सेवक का एक वचन में सेवका होगा दो वचन में सेवको होगा और बहुवचन में सेवका होगा। अब द्वितीय विभक्ति में देखिए सेवकम होगा द्विवचन में सेवको होगा और बहुवचन में सेवकाम होगा। तृतीय विभक्ति में देखिए सेवके सेवकाभ्याम सेवकई चतुर्थी विभक्ति में सेवकाय सेवकाभ्याम सेवकेभ्यः पंचमी विभक्ति में सेवका सेवकाभ्याम सेवकेभ्यः षष्ठी विभक्ति में सेवकस् सेवकयो सेवकानाम सप्तमी विभक्ति में सेवके सेवकयो सेवकेषु और संबोधन में हे सेवक हे सेवको हे सेवका। होम पाठ में कारकों के प्रत्यय शब्द के साथ जुड़े हुए सेवक शब्द के रूप में करना देखता हूँ।